श्री कालाहस्ती मंदिर में संपन्न हुए कार्यक्रम के पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज अगले दिन पहुंचे नेल्लोर जिले स्थित मुथुकुर, जहां पर केपीसीएल कंपनी ने कृष्णापट्टनम पोर्ट का निर्माण किया है। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्ण देवारिया के समय ये पोर्ट संचालन में था। ये पोर्ट 3 चरणों में बनाया जा रहा है। 2008 में प्रथम चरण का कार्य समाप्त होने पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। नवयुग संस्थान एवं केपीसीएल कंपनी के ऑनर श्री विश्वेश्वर राव जी एवं उनके यशस्वी पुत्र श्री शशिधर राव जी ने इस पोर्ट में स्वर्ग जैसा वातावरण बनाया है। इन लोगों के पुरुषार्थ से देश को सबसे अच्छा पोर्ट मिला है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने पोर्ट पर वहां कार्यरत लोगों के लिए योग सत्र कर योग की दीक्षा दी। मन चंचल है, मन में कुछ उठ रहा नहीं, कुछ नहीं रहता मन में। मन इसको बोलते निर्विचार हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्विचार। अब इससे फिर अपने आप पीस ऑफ माइंड मिलता है, इससे फिर मन को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, स्ट्रेस अपने आप गायब होता है। जब आप दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब आप कोई भी पोश्चर करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जैसे ही शरीर का क्रिएटिविटी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH अपने आप डाउन चले जाते हैं। यही स्ट्रेस है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH ये हार्मोन्स हैं। जब हम खुश नहीं होते, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, जब ज़्यादा डाइट खाते हैं, जब गुस्सा करते हैं, तो ये बढ़ जाते हैं। उल्टा काम करने से बढ़ते हैं, तो इंडिकेटर है, रुक जाओ, नहीं तुम्हारे गाँव दुखी हो। तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH गलत कामों से बढ़ते हैं। झगड़ा करने से, नाराज होने से, दुखी होने से, और ये योगाभ्यास और सभी अच्छे काम करने से बढ़ते हैं। तो बेटा इंडोरफिन, इनकैप्टिन आदि अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं इससे, और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH। तो ये 2 मिनट ऐसे भस्त्रे का करना, 2 मिनट ज़्यादा धीरे धीरे करना है तो 5 मिनट करना है।
लय के साथ। इससे भी मन पूरा शांत हो जाता है और तन पूरा निरोगी, मन निर्विचार, तन निरोगी, मन निर्विचार, निर्विकार, निर्विकल, निर्बीज, निर्द्वंद्व, निश्चिंत। निर्विकल्प निर्विचार समाधि के रूप में, निर्विकल्प समाधि, निर्विचार समाधि, निर्बीज समाधि, निर्गुण समाधि। Spleen, intestine, pancreas, uterus, ovary, prostate, intestine, lung, heart, pura ka pura thyroid, internal system, pura activate ho raha hai. ऐसे ही बैठना योग, इससे मेरुदंड पूरा सीधा रहेगा और जो एनर्जी का फ्लो है वो मूलाधार से, मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मूल में, लेफ्ट साइड में या राइट में, फिंगरा बीच में सुषुम्ना, उसके ऊपर स्वादिष्टान, नाभि के पीछे मणिपुर या हृदय या विशुद्धि या आज्या या ललना गुरु बिंदु भी बोलते हैं इसको, या सहस्रा अष्टचक्र, अष्टचक्र नवद्वार से शुद्ध हो जाता है और पूरी बॉडी 100% बैलेंस। सब अच्छा हो जाता है।
विश्वेश्वर साहब तो कितनी देर करते थे आप? 40-40 मिनट किया साहब ने, और 40-40 मिनट करके चलो रिलैक्स हो जाओ, जिसको पैर थोड़ा दुख रहा होगा थायराइड इससे ठीक हो जाए। कपाल भाती और उज्जैन, देखो जिम करने से मसल्स अच्छा होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद मसल्स बहुत टाइट हो जाता है, देख रहा है ना, अभी पता लग जाएगा थोड़े दिन मालूम है। और जिम कम योग ज्यादा, ये यंग एज में ना थोड़ा बॉडी स्ट्रांग ये वो सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फ्लेक्सिबिलिटी फिर बाद में लाइबिलिटी हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा लगता है, पीस अच्छा लगता है, आरोग्य अच्छा लगता है, तो ये जरूरी है ना। खैर वो तो ये तो सिद्धासन है, पाया नीचे दाया ऊपर ऐसे बैठ गए। कपाल भाती के बाद थोड़ा जो कर सके बाह्य प्राणायाम, तीन बंद लगता है, थोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंद, पेट को सिकुड़ के पीठ से लगाना उड्डयन बंद, तीन बंद लगना है, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर देते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, बाहर होल्ड कर दिया, फिर अग्निसार कर सकते हैं, श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचो, ढीला छोड़ो, क्रिया तो टिपिकल होता है, उसको सब लोग कर नहीं पाते, पेट के बीच से निकालना, दोनों डायरेक्शन में होता है। तो ये उज्जाई गले और थायराइड के लिए आपके लिए, हाँ श्रीधर जी। फिर थोड़ी देर होल्ड करके रखना, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से छोड़ना, गले को टाइट किया, ब्रेथ को फिर होल्ड किया,
टाइम्स करना। साइन आपको बंद करके बाईस से छोड़ना, राइट को क्लोज किया हमसे, लेफ्ट से हेल्प देखा, ये थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है। कपालभाति, उज्जायी एंड अब अनुलोम विलोम, ये भी बहुत जरूरी है। इसका मिनिमम 5 मिनट्स का एक राउंड, और ऐसे ही इसको 10-15 मिनट करें, इससे पूरा नस नाड़ी अच्छा हो जाता है। ये 5 बार करेंगे, तब पहले उंगली माथे पर, सीज देने वाली ऐसे आंखों पर, और थोड़ा आंखों पर हल्का सा दबाव डालेंगे। पहले उंगली माथे पर रखेंगे, फर्स्ट फिंगर फॉरहेड पर, रेस्ट फिंगर आईज पर, ऐसे हल्का सा दबाव देने से आज्ञा चक्र में जैसे सूर्योदय होता है ऐसी आभा, ऐसी ज्योति प्रकाश निकलेगा। कान अंगूठी से मुंह बंद, मुख बंद, ऐसे 5 बार नाद करना, ओंकार का नाद ही हो, भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान मुद्रा उद्गीत प्राणायाम करें। मौन हो जाना, साइलेंस। श्वासों पर ओंकार का ध्यान करें, श्वास लिया तब मन ही मन हो, मौन होकर साइलेंस, श्वास छोड़ा तब मन ही मन ओम का ध्यान।
आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में मन को केंद्रित कर या नासिकाग्र पर मन को केंद्रित कर और श्वास के साथ ओंकार का ध्यान चलता। धीरे धीरे सांस से भी और गहरे चले जाते, माने एक ओंकार में और ओंकार ही सबका कर्ता नियंता संकर्ता, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिसकी शक्ति से सब कुछ संचालित और अंत में सब कुछ इसमें विलीन हो जाता है। यदो वैमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यं संविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मे। ओंकार ब्रह्म में कहा, केंद्र में भी वही है, परिधि में भी ऐसे भाव चेतन ओंकार के साथ एक आकार हो जाता है और ओंकार के साथ एकाकार होते हुए ओंकार परमात्मा ब्रह्म ज्ञान का आधार, सब ज्ञान उसी से, हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है, इस प्रकृति से हमें जो ज्ञान, अनुभवों से जो ज्ञान मिलता, पूर्वजों से जो ज्ञान मिलता, उस ज्ञान का मूल स्रोत भगवान, ज्ञान का श्रद्धा निष्ठा प्रेम सारी संवेदना, सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं सब पुरुषार्थ सामर्थ्य का मूल स्रोत गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ। ऐसे भगवान के साथ एकाकार होके भगवान की दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं ध्यान। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, ऐसे 5 मिनट ध्यान कम से कम रोज करना। आप आज्ञा चक्र में भी ध्यान कर सकते हैं। आप ये ललना चक्र है, जहां ये तो है आज्ञा चक्र, ये ललना चक्र है, ये जहां ऊपर तिलक लगा ये आज्ञा चक्र, ये ललना, इसको बिंदु गुरु सहस्र चक्र, ये सहस्रार चक्र है, ये हृदय चक्र है यहाँ पर। तो आप किसी भी एक स्थान पर मन को टिकाते हैं, ये धारणा, वहाँ मन लग गया ये ध्यान, और उसमें खो गए ये समाधि, धारणा ध्यान समाधि। तो आप ऐसे प्राणायाम करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, धारणा ध्यान समाधि।